आगे पीछे करके देखो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। हम 1 से 2 मिनट रुकते हुए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं अपनी आज की, ठीक है। जैसे कि आप सब लोग मेरे को जानते हो, जो लोग नहीं जानते उनको मैं अपने बारे में बता दूं कि मेरा नाम है एजुकेटर पुरलव। मैं हूँ वेरीफाइड एजुकेटर अन अकेडमी पे और मुझे 3 साल से ज़्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है अन अकेडमी के साथ, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने आप लोगों ने देखा था कि NDA 2020 का पेपर हम लोगों ने डिस्कस किया था, बायोलॉजी का, है ना। तो पूरा का पूरा नहीं, हमने लास्ट क्लास में NDA 2020 के बायो का सेशन डिस्कस कर चुका था। तो आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, उल्टा, ठीक है, ताकि NDA 2019, NDA 1 2019 और NDA 2 2018 का पेपर डिस्कस करेंगे। हम सोच रहे हैं बेसिकली पहले बायो पूरा निपटाते हैं, क्योंकि होगा क्या ना यार, अगर मैं बायो लाऊंगा फिर बीच में ज्योग्राफी लाऊंगा तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाओगे। तो देखते हैं जितनी देर तक हम लोग आज कर पाते हैं, जितने पेपर हो सकेंगे पॉसिबली हम लोग 2015 तक के पेपर देखेंगे, ताकि अगले दिन यानी कि कल परसों फिर हम ज्योग्राफी देख पाएं, फिर हम लोग पॉलिटिक्स देख पाएं, है ना। तो NDA 2020 हम लोग पूरा कर चुके थे, तो 1 से 2 मिनट रुकते हैं ताकि सब लोग ज्वाइन कर ले, फिर हम अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, ओके। 2020 के लिए इससे पहले वाला सेशन देखिए, वो आपको मिल जाएगा। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते ही है। 77 क्वेश्चन देखिए, ये आपको क्या बोल रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है कि नेट मूवमेंट ऑफ वाटर, ठीक है, ध्यान से देखिएगा ये क्या बोल रहा है। नेट मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम अ डाइल्यूट टू अ कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड व्हाट। सोच के मुझे इसका आंसर दीजिए, फिर मैं आपको इस क्वेश्चन को बताता हूँ। इंडियन कल्चर, स्वागत है आपका। एनएम गेमिंग जी, लव विद आर्मी जी, आपका भी स्वागत है। नितेश कुमार जी, आपका भी स्वागत है। बताइए 77 क्वेश्चन का आप लोगों का आंसर क्या होगा, फिर हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। बताइए क्या होगा, बताइए बताइए। हाँ यार, बाल कटवा लिए मैंने बेसिकली। बताइए बताइए फर्स्ट क्वेश्चन, 77 क्वेश्चन का आंसर बताइए, तभी तो हम लोग इसको डिस्कस कर पाएंगे। बहुत बढ़िया यम यम फूड जी, सौरभ सिंह जी, आपका आंसर बिल्कुल सही है। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को समझो, ये बोल क्या रहा है। आप सबको पता है कि अगर मैं एक सेल के बारे में डिस्कस करता हूँ तो हर एक सेल में क्या होता है, हर एक सेल में अंदर एक न्यूक्लियस पाया जाता है। इस न्यूक्लियस के चारों तरफ आपको पता है एक पानी जैसा सब्सटेंस पाया जाता है, एक जेली लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म आपका एक पतली सी मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है ना। इस मेम्ब्रेन को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से। अब आप लोग यहां पर देखिए, अगर मैं आपको यहां पर लेकर आता हूं, जस्ट गिव मी अ सेक, ये आप लोगों का क्या था, एक पूरा का पूरा सेल था, ये न्यूक्लियस था, इसके ऊपर एक पतली सी मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारी क्या होती है, SPM होती है, यानी कि सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। और ये आपके सेल के अंदर सिर्फ उन चीजों को आने देती है जो सेल के लिए इंपॉर्टेंट होता है, जैसे ऑक्सीजन हो गया, जैसे वाटर हो गया। और आपको पता है एक डाइल्यूट यानी कि वाटर अगर हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में जाता है एक SPM के थ्रू, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं, ठीक है। सबको क्लियर हुआ आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, ब्लड इज अ टाइप ऑफ, 78 क्वेश्चन, जल्दी मुझे आंसर दीजिए। बफर कर रहा है क्या, मुझे नहीं लगता बफर कर रहा है, बिकॉज मेरा सब कुछ सही चल रहा है। इंडियन कल्चर जी एक बार रिफ्रेश कीजिए अपना। बताइए मुझे NDA 2 2019 का पेपर है, NDA 2020 हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। बताइए, बहुत बढ़िया अक्षय हिंगे जी, आपका आंसर बिल्कुल सही है। बाकी और कोई देना चाहेगा 78 का आंसर, या सिर्फ एक? बहुत बढ़िया सौरभ सिंह जी, आपका आंसर बिल्कुल सही है। देखो सबसे पहले अगर मैं एक ब्लड के बारे में बात करता हूँ तो आप समझिए ये एक ह्यूमन बॉडी होती है। अगर मैं पूरे के पूरे ह्यूमन बॉडी को कहीं से भी काटता हूं, ठीक है, मैंने क्या बोला, अगर मैं ह्यूमन बॉडी को कहीं से भी कट करता हूं तो आपका क्या निकलता है, क्या आपका ब्लड नहीं निकलता? बिल्कुल निकलता है। अब सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज देखिए, अगर मैं बात करता हूं न्यूट्रिशन के बारे में, ठीक है, न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, आपको जिससे एनर्जी मिलती है। अगर मैं बात करता हूं ऑक्सीजन के बारे में, क्या न्यूट्रिशन, क्या ऑक्सीजन सिर्फ आपके बॉडी के एक पर्टिकुलर पार्ट को चाहिए होता है? नहीं, पूरी की पूरी बॉडी में आप लोगों का क्या रहता है, ब्लड रहता है, और पूरी की पूरी बॉडी को एक दूसरे ऑर्गन से पूरा का पूरा जोड़ता है। और आपकी पूरी बॉडी में न्यूट्रिशन, पूरी बॉडी में ऑक्सीजन भी यही ट्रांसफर करता है। तो आपको पता है ब्लड क्योंकि आपकी पूरी बॉडी को कनेक्ट करता है, जोड़ने का काम करता है, दैट्स व्हाई इट्स योर कनेक्टिव टिश्यू। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? जाइलम कंसिस्ट ऑफ ट्रैकेट्स वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट इज ड्यू टू स्क्लेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा हैव नो एंटर सेलुलर स्पेसेस या जाइलम कंसिस्ट ऑफ सीव ट्यूब्स एंड सीव कंपेनियन सेल्स। जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए जिन्होंने मेरी लास्ट क्लास अटेम्प्ट की होगी एनडीए 2020 वाली जो हमने पिछला अपना देखा था उसमें भी इसी टाइप का एक क्वेश्चन था। आपका आंसर गलत है सौरभ सिंह जी, इसका आंसर डी नहीं होगा। देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझाने के लिए अभिनाथ जी आपका आंसर बिल्कुल सही है। एक पीडीएफ हम लोग देखते हैं, ठीक है। इस पीडीएफ को अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखते हो तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि आपका जो प्लांट टिश्यू होता है वो दो टाइप का होता है। पहला आता है मेरिस्टमैटिक टिश्यू, ठीक है, और दूसरा कौन सा आता है, दूसरा आपका आता है परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टमैटिक टिश्यू की क्या खास बात होती है कि ये अपने आप को डिवाइड कर सकता है। तो अगर ये अपने आप को डिवाइड कर सकता है तो बेसिकली अगर कोई चीज डिवाइड करता है तो किसमें काम आती है, वो काम आती है ग्रोथ में। यानी कि ये बेसिकली किसमें काम करता है, ये आपका काम करता है प्लांट की ग्रोथ में। ये तीन टाइप का होता है। पहला आपका होता है एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम कहां पाया जाता है, आपके प्लांट के टिप पे, यानी कि आपके प्लांट के सबसे ऊपर। तो ये आपके प्लांट को लीनियर ग्रोथ यानी कि हाइट प्रोवाइड करता है। सेकंड अगर मैं बात करता हूं तो आपको पता है लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम कहां पाया जाता है, आपके प्लांट के विड्थ में पाया जाता है, जो बेसिकली आपके प्लांट को चौड़ा करने में हेल्प करता है। और अगर मैंने बात किया इंटरकैलरी मेरिस्टेम, तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहां पाया जाता है, आपके प्लांट्स के नोड्स एंड इंटर नोड्स पे, जो आपके नोड्स को ग्रो करने में हेल्प करता है, आपके पूरे के पूरे बड्स को, बड्स ही बड़ा होकर फ्लावर बनता है और फ्लावर ही आगे जाके फ्रूट बनता है। अब वही मैं परमानेंट टिश्यू की बात करता हूं, तो जब आपका मेरिस्टमैटिक टिश्यू अपने डिवीजन की शक्ति खो देता है, ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि देखिएगा इससे 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 कितनी बार आपके क्वेश्चन बन चुके हैं, इसलिए मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। जब आपकी मेरिस्टमैटिक टिश्यू क्या करते हैं, अपना पूरा का पूरा डिवीजन की क्षमता खो देते हैं, तो वो बन जाते हैं आपके परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू आपके दो टाइप के होते हैं। पहला होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू, जिसमें आपके तीन आते हैं, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। आपने एनडी 2020 में पेपर में देखा था इनमें से किसके पास डेड सेल होते हैं। पेरेन्काइमा के पास होते हैं लिविंग सेल्स, और इनमें क्या होता है, इनमें होता है बहुत सारे इंटरसेलुलर स्पेसेस। पेरेन का मतलब क्या होता है, पेरेन का मतलब होता है पेरेंट्स, और पेरेंट्स आपके लिए क्या काम करते हैं, पेरेंट्स आपके लिए खाना और पानी इकट्ठा करते हैं। तो पेरेन्काइमा का काम क्या होता है कि ये प्लांट्स में पानी और वाटर को स्टोर करता है। अगर मैंने बात किया कोलेनकाइमा, तो आपने देखा होगा जो यंग प्लांट होते हैं, ग्रीन ग्रीन वाले पौधे, वो इजिली ऐसे ऐसे मुड़ जाते हैं। मुड़ने का मतलब क्या होता है, बेसिकली वो बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं। तो आपके यंग प्लांट्स को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने का काम किसका होता है, आपके कोलेनकाइमा का होता है, और इसमें भी लिविंग सेल्स होते हैं। लेकिन अगर मैं स्क्लेरेनकाइमा के बारे में बात करता हूँ, तो स्क्लेरेनकाइमा में पाए जाते हैं डेड सेल्स, और ये आपके प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। यानी कि आप प्लांट को मुक्का मारोगे तो चोट आपको लगेगी, उसके अंदर जाके ग्रीन प्लांट आता है। और वही मैं बात करता हूँ कॉम्प्लेक्स के बारे में, तो कॉम्प्लेक्स आपके दो होते हैं, एक आपका होता है जाइलम और एक आपका क्या होता है, फॉइलम। और आपको पता है ये दोनों किसमें हेल्प करते हैं, ये दोनों आपके प्लांट्स के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। अगर मैं बोलता हूँ जाइलम, तो जाइलम क्या ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर और मिनरल्स, जिसमें से ट्रैकेट्स क्या काम करते हैं, ट्रैकेट्स आपके पानी और मिनरल्स को रूट से एब्जॉर्ब करते हैं। वेसल्स मेन काम क्या करते हैं, आपका एसेंट ऑफ सैप, क्या करते हैं सब लोग देखिएगा, एसेंट ऑफ सैप। एसेंट ऑफ सैप का मतलब क्या होता है, एक चीज समझिएगा कि अगर ये आपका एक प्लांट है, ठीक है, तो आपको पता है प्लांट की रूट नीचे की ओर जाती है, तो अगर यहाँ मिनरल यहां से पानी को एब्जॉर्ब करेगा तो ये ऊपर की ओर एंटी ग्रेविटी पानी का पुल होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एसेंट ऑफ सैप कहते हैं। जाइलम पेरेन्काइमा के बारे में बात करता हूं, तो पेरेन्काइमा मैंने अभी बताया था कि पेरेंट्स क्या करते हैं, खाना पानी स्टोर करते हैं, तो आपको पता है ये पानी को स्टोर करेगा। और जाइलम फाइबर्स क्या करते हैं, आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही, ऑस्मोटिक प्रेशर से ही होता है, लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में जो लगता है ना, इसलिए हम उसे एसेंट ऑफ सैप कहते हैं। वही मैं फॉइलम के बारे में बात करता हूँ, तो फॉइलम में क्या होता है, सीव ट्यूब्स। सीव ट्यूब्स मेन काम क्या करता है, आपके फूड का कंडक्शन करता है। कंपेनियन सेल क्या होता है, कंपेनियन का मतलब क्या होता है, तू मेरा साथी है। अब एक साथी इंसान क्या काम करेगा, एक साथी जो होता है वो आपके बिल्कुल आपके साथ काम करने में हेल्प करेगा, तो ये भी फूड को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। फॉइलम पेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा मतलब क्या,
पेरेंट्स यानी कि आपके फूड को स्टोर करेगा, और फाइबर क्या करेगा, आपके पूरे के पूरे फूड को मतलब पूरे के पूरे प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। अब देखिए, अगर मैं इस क्वेश्चन के ऊपर आता हूं तो आप लोग मुझे आंसर दे पाओगे, कितना इजी क्वेश्चन बन गया। देखो, फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट इज ड्यू टू स्क्लेरेनकाइमा, क्या फ्लेक्सिबिलिटी स्क्लेरेनकाइमा के चलते होती है? नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी होती है कॉलेनकाइमा के चलते। आंसर गलत हो गया, बिल्कुल हो गया। पेरेनकाइमा हैव नो इंटरसेलुलर स्पेसेस, क्या आपके पेरेनकाइमा में इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होता? पेरेनकाइमा आपके लिविंग होते हैं और इसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस होता है। तीसरा देखिए, जाइलम कंसिस्ट ऑफ सीव प्लेट सीव ट्यूब। अभी ये मैंने आपको बताया था कि अगर हम लोग बात करते हैं सीव ट्यूब यानी कि सीव प्लेट्स के बारे में, तो सीव ट्यूब्स आपका फाइबर्स किस में होता है? आपका फाइलम में होता है, ना कि आपका जाइलम में होता है। तो ये ऑप्शन भी आपका गलत है। जाइलम में पाया जाता है ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम पेरेनकाइमा और आपका जाइलम फाइबर। तो उस वाले रिकॉर्डिंग को पूरा अच्छे से कीजिएगा, बिकॉज मैं आपको बोल रहा हूँ प्लांट सेल से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। आपका 2019 में भी आया था और 2020 में भी आया था, ठीक है। चलिए, माइटोकॉन्ड्रिया आर एबल टू प्रोड्यूस देयर ओन, सोच के आंसर दीजिए, बताइए। अगर हम लोग बात करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया आर एबल टू प्रोड्यूस देयर ओन, बताओ क्या प्रोड्यूस करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया अपना, बताइए बताइए क्या प्रोड्यूस करते हैं। बहुत बढ़िया। देखो, मैंने आपको कितनी बार मतलब कितनी बार ये चीजें बताई है कि तीन ऑर्गेनली सुन लेना। एक आपका क्या होता है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, एक आपका क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया, और एक आपका क्या होता है, हमेशा याद रखना, इस पे लगातार 3 साल क्वेश्चन आने वाले हैं इसलिए मैं बोल रहा हूं, और एक आपका होता है न्यूक्लियस। इन तीनों की खास बात क्या होती है कि ये तीनों होती है आपकी सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनली। क्या होती है? सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनली। और जो सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनली होती है, इसका मतलब ये खुद के ऊपर डिपेंडेंट होती है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती। तो इसीलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं? लिविंग कहते हैं, और एक और नाम से जानते हैं, दैट इज सेल विद इन अ सेल। तो अगर मैंने इसे बोला सेल विद इन अ सेल यानी कि लिविंग, तो इसके पास दो चीजें पक्का पक्का होंगी। एक तो क्या होगा? खुद का जेनेटिक मटेरियल होगा, और सेकेंड चीज क्या होगा? खुद का प्रोटीन होगा। तो आप लोग देख सकते हो माइटोकॉन्ड्रिया एबल टू प्रोड्यूस देयर ओन बिकॉज वो आपके लिविंग है, तो इनके पास जेनेटिक मटेरियल और प्रोटीन दोनों होगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया अपना क्या बना सकते हैं? खुद का प्रोटीन बना सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन मुझे बताइए कि अगर हम लोग बात करते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग पॉपुलराइज द यूज ऑफ एम्ब्रियोलॉजिकल करेक्टर्स इन टेक्सोनॉमी। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं कि आपका टेक्सोनॉमी क्या होता है, ठीक है। तो आपको पता है कि अगर मैं यहां पर डिस्कस करता हूं, तो आपने देखा है कि आपका एक ऐसा ट्रायंगल बनता है कि नहीं, जिसमें आप सबको पता है कि सबसे नीचे क्या आता है, सबसे नीचे आपका स्पीशीज आता है, सबसे टॉप पे आपका क्या आता है, आप सबको पता है किंगडम आता है। तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं? प्रॉपर तरीके से डिवाइड करते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमी बोलते हैं, और इसके एक ट्रॉफिक लेवल को हम लोग टैक्सन के नाम से जानते हैं। तो टैक्सोनॉमी में एम्ब्रियोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक किसने अपलोड की थी? पंचम महेश्वरी जी ने की थी, ठीक है। नहीं, आपका पंचम महेश्वरी जी ने। ओके, ये क्वेश्चन काफी ईजी है। देखो, इस क्वेश्चन को अगर आप लोग देखते हो तो एनडीए 2020 में सेम यही क्वेश्चन आया था, और एनडीए 2019 में आप लोग देख पा रहे हो बहुत मिलता जुलता क्वेश्चन आया है। तो जल्दी से मुझे इसका आप लोग आंसर दीजिए कि विच वन ऑफ फॉलोइंग इज द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस। आप लोग बता सकते हो। बहुत बढ़िया अक्षय इंगी जी, बहुत बढ़िया प्रज्योत घागड़े जी, क्या बात है, आपका नाम बड़ा प्यारा है, ठीक है। तो अगर मैं इसके बारे में आपसे डिस्कस करता हूं तो आप सबको पता है इसका राइट आंसर क्या होगा। बायोगैस का मतलब क्या होता है? बायोगैस का मतलब होता है गोबर गैस, जिसमें अगर मैं आपको बताऊं तो लगभग आपका 50 से 70% क्या पाया जाता है? आपका पाया जाता है CH4 यानी कि मिथेन। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो 20 से 40% के आसपास क्या पाया जाता है? आपका पाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा आपकी बहुत सारी चीजें पाई जाती है, जैसे कि अगर मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं तो यहां पर क्या होता है? आपका हाइड्रोजन पाया जाता है, ठीक है। तो इट्स घागड़े। ओके, चलिए माफी चाहूंगा, आपका आंसर में आपका नाम गलत लिया मैंने। तो आपको पता है कि मिथेन लगभग 50 से 70% पाया जाता है। और एक बात और याद रखना कि मिथेन यानी कि आपका कुल मिला के बायोगैस वही बनती है
जहां पर आपका एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। और अगर मैंने बोला एनएरोबिक रेस्पिरेशन, इसका मतलब ऑक्सीजन की एब्सेंस में, ठीक है? तो आपको याद रखना है एनएरोबिक रेस्पिरेशन में ही आपकी हमेशा बायोगैस बनती है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन अगर मैं आपको बात करता हूं तो जल्दी से मुझे बताइए, थायरॉइड ग्लैंड प्रोड्यूसेस अ हार्मोन कॉल्ड थायरोक्सिन, विच? थायरोक्सिन क्या काम करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके बारे में। बहुत बढ़िया अक्षय इंगे जी, आपका आंसर बिल्कुल गलत है। कार्तिकेय जी, आपका आंसर बिल्कुल गलत है। सबका आंसर बिल्कुल गलत है। देखो एक बात हम समझते हैं, अभिनाथ जी आपका आंसर भी गलत है। थायरोक्सिन क्या आपका कंट्रोल्स ब्लड शुगर लेवल? देखिए इसको मैं आपके लिए लेके जाता हूँ। बहुत बढ़िया प्रज्योत जी, आपका आंसर बिल्कुल सही है। सूरज कुमार जी, आपका आंसर बिल्कुल सही है। सौरभ जी, आपका आंसर सही है। देखो अगर मैं बात करता हूँ कंट्रोल ओव्यूलेशन और बेसिकली मेंटेन प्रेगनेंसी, इसमें तो आप सबको पता है क्या आता है, फीमेल सेक्स हॉर्मोन्स आते हैं जो कि आपका प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन होते हैं। तो बी ऑप्शन और डी ऑप्शन तो आपका हो नहीं सकता। अगर मैं ब्लड शुगर लेवल के बारे में बात करता हूँ, ब्लड ग्लूकोज लेवल के बारे में बात करता हूँ, तो आपको पता है कौन करता है? इंसुलिन। और इंसुलिन किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? इंसुलिन रिलीज किया जाता है आपके बीटा सेल के द्वारा। और बीटा सेल्स किसमें पाया जाता है? आपके आइल्स ऑफ लैंगरहन में पाया जाता है, जो कि आपका 2 से 3% क्या होता है, इंडोक्राइन पार्ट होता है। किसका इंडोक्राइन पार्ट होता है? आपके पूरे के पूरे पेनक्रियास का। समझ पा रहे हो? बिल्कुल सही। लेकिन अगर मैं बात करता हूं थायरोक्सिन, तो ये रिलीज किया जाता है थायरॉइड ग्लैंड्स के द्वारा। और थायरॉइड ग्लैंड का थायरोक्सिन का मेन काम क्या होता है? इसका मेन काम होता है बीएमआर। और बीएमआर का मतलब क्या होता है? बेसिक मेटाबॉलिक रेट, यानी कि आपके पूरे के पूरे मेटाबॉलिज्म रेट को ये पूरा का पूरा कंट्रोल करता है। सेकेंड काम मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, आप सबको बताया कि यार गोइटर किसकी कमी से होता है, गोइटर भी आपका थायरोक्सिन की कमी से ही होता है। लेकिन आयोडीन नहीं खाओगे तो थायरोक्सिन रिलीज नहीं होगा। देखो अगर आप बात करते हो शरद तिवारी जी पीवाईक्यू करने का फायदा क्या होता है, तो आपको समझ में आता है कैसे क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि अगर मैं बात करता हूँ ये क्वेश्चन, मैंने बताया था यही क्वेश्चन आपका एनडीए 2020 में आया था। पढ़ते चल जाओगे पढ़ते चल जाओगे, लेकिन आपको पता ही नहीं क्वेश्चन कैसे पूछने वाला है एनडीए। तो क्या मतलब, ठीक है, तलवार में धार लगाना मतलब पढ़ाई, लेकिन तलवार चलाने से जंग जीती जाती है क्वेश्चन सॉल्व करने से। तो यू गेट एन आइडिया कि आपको किस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैक्टीरिया दैट कॉजेज डिजीजेस इन द ह्यूमन बॉडी? सोच के आंसर दीजिए कि अगर हम बात करते हैं इनमें से वो कौन सा बैक्टीरिया जो ह्यूमन बॉडी में, बिल्कुल रोज यही टाइम रहेगा एक्सेप्ट सैटरडे संडे, लेकिन आपकी कल और परसों क्लास नहीं लगी थी तो इस सैटरडे संडे हम मिलेंगे। पीवाई की दो बार कर लूं, रट्टा नहीं मारना शरद जी, ठीक है। एक बार समझिएगा कि आपको बेसिकली यहां पे रट्टा नहीं मारने पीवाई, क्योंकि आप पीवाई को रट्टा मार के चले जाओ, आपने जितना पढ़ा है ना उसके हिसाब से नॉलेज लगानी है। बहुत बढ़िया दिव्यांशु जी, बहुत बढ़िया अक्षय इंगे जी, आपका आंसर बिल्कुल सही है। देखिए याद करने का तरीका, मैं आपको एलिमिनेशन मेथड से पूरा क्वेश्चन समझाता हूँ। सर आपका बायो के कोर्स से मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक रिवाइज कर लेता हूँ। क्या बात है। तो आपको पता है वर्सियाला जोस्टर, जोस्टर से आपको क्या याद आता है? जोस्टर से आपको याद आता है रोस्टर। और रोस्टर किसको बोलते हैं? रोस्टर बोलते हैं आपके चिकन को। तो आपको पता है चिकन पॉक्स हमें किससे होता है? हमें वायरस से होता है, जिसका नाम होता है वर्सियाला जोस्टर। तो क्या ये बैक्टीरिया है? बिल्कुल नहीं है। ट्राइपोनोसोमा गैम्बिनीज, ट्राइपोनोसोमा गैम्बिनीज आपका क्या है? आपका एक प्लाज्मोडियम है कि नहीं, जो कि आपको क्या करता है, आपको कुल मिला के पूरा का पूरा क्या करता है, ट्राइपोनोसोमिया, जिसे अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस भी कहते हैं। बिल्कुल नहीं। अगर मैं बात करता हूँ प्लाज्मोडियम फेल्किपोरम, तो अगर आपको पता चला कि मैंने बोला प्लाज्मोडियम, तो प्लाज्मोडियम सुनते ही आपके दिमाग में क्या आएगा? प्लाज्मोडियम सुनते ही आपके दिमाग में आएगा मलेरिया। अच्छा प्लाज्मोडियम है इस पे, ये तो मलेरिया करता है। और आपको पता है प्लाज्मोडियम क्या होता है? प्लाज्मोडियम एक टाइप का होता है प्रोटोजोआ। तो आपका इकलौता बचा सल्मोनेला टाइफी, जो आपको क्या कॉज करता है? आपको कॉज करता है टाइफॉइड। और इसको याद करने का एक बात याद रखना, जैसे कि हम लोग बात करते हैं कोविड के बारे में, है ना, तो आपको पता है कोविड-19 क्या है? कोविड आपका क्या होता है? एक वायरस की फैमिली है ना, जो आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम पे अटैक करती है। वैसे अगर मैं बात करता हूं ना सल्मोनेला के बारे में, तो सल्मोनेला क्या करता है? सल्मोनेला आपके एक बैक्टीरिया की फैमिली है, जो क्या करता है, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन पे अटैक करता है और आपको कुल मिला के डिसेंट्री, वॉमिटिंग, ये सब करवाता है। ओके चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत रेड रेड कलर कर लिया। मुझे बताइए कि अगर हम अगला क्वेश्चन अब लोग देख रहे हैं, तो जल्दी से बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेस मे कॉज बाय द डेफिशिएंसी ऑफ वाइटामिन सी। तो वाइटामिन सी की डेफिशिएंसी से हमें इनमें से कौन सी बीमारी होती है। बहुत बढ़िया सर, तो मैं पूछ रहा था कि आपकी बायो वाले कॉज से इंपॉर्टेंट बता दीजिए। इसमें देखिए अक्षयंगी, सबसे पहले आपको सेल करना है, क्योंकि सेल से हर साल आपके कम से कम दो चैप्टर, दो क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा ह्यूमन न्यूट्रिशन हो गया, इसके अलावा न्यूरो इंडोक्राइन सिस्टम हो गया, इसके अलावा ह्यूमन डिसीजेस हो गया, और आपका प्लांट्स टिश्यू एंड हॉर्मोन्स हो गया। ये पांच चैप्टर तो आपको छोड़ने ही नहीं है। बहुत बढ़िया, देखिए अगर मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करता हूँ रिकेट्स, रिकेट्स क्या होता है? रिकेट्स आप सबको पता है कि हड्डियों का बेंड होना होता है ना, जिसमें हड्डियां मुड़ तुड़ जाती है। ये किसी कमी से होता है? ये होता है आपके वाइटामिन डी की कमी से, होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है। अगर मैं रैबीज के बारे में बात करता हूं, तो आपको पता है रैबीज किससे होता है? रैबीज आपका होता है रैबिट से। रैबिट का मतलब क्या होता है? मैड डॉग या मैड कार, मैड कैट, यानी कि आपका पागल कुत्ता या पागल बिल्ली के स्लाइवा से, जिसमें आपका कौन सा वायरस होता है? आपका होता है राबड़ो वायरस, तो ये भी नहीं हो सकता। हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस आप सबको पता है एक वायरस होता है जो कि आपका क्या करता है, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, जो कि आप लोगों को जॉन्डिस करता है, तो ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। तो राइट आंसर इज स्कर्वी, जो कि आपकी वाइटामिन सी की कमी से होता है, और इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, दैट इज योर ब्लीडिंग गम्स। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोगों के पूरे जो गम्स होते हैं, मसूड़े होते हैं, बहुत ज्यादा पूरा का पूरा ब्लीड करते रहते हैं, खून आता है, वो किसकी वजह से आता है? इसी की वजह से आता है। ओके चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वायरस इज नॉट ट्रू, बताइए 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 वायरस के बारे में। बिल्कुल बिल्कुल, स्कर्वी से वायरस जो होता है आपका, जो होता है ब्लीडिंग होता है, इज नॉट ट्रू लिखा है, सोच के आंसर दीजिएगा। और आपके ये टोटल 10 क्वेश्चन आए थे एनडीए 2019 में। ठीक है, इसके बाद हम एनडीए 2019 का पेपर देखेंगे। बताइए, राज ठाकुर जी ने मुझे सी बोला, या बेसिकली GTLVS जी, मैं यहाँ पे कैसे PDF शेयर करूँ, बिकॉज मुझे एक लिंक मिलता है जिससे मुझे यहाँ पे आके स्ट्रीम करना पड़ता है, तो यहाँ पे तो मैं PDF कोई भी शेयर नहीं कर सकता। ओके, तो देखिए यहाँ पर आपको सिर्फ एक टर्म देखना था, जो कि आपका था फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस देखते ही आपको क्या समझ में आना था, फोटोसिंथेसिस कौन करता है? फोटोसिंथेसिस आपके प्लांट्स करते हैं। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन विल बी योर राइट ऑप्शन। लेकिन मैं आपको बाकी तीन पॉइंट समझाता हूं कि पहला पॉइंट क्यों गलत है। वायरस नीड लिविंग सेल टू रिप्रोड्यूस, बिल्कुल, क्योंकि आपके सेल जो होते हैं ना, आपके जो वायरस होते हैं, वो रिप्रोडक्शन नहीं करते, बल्कि क्या करते हैं, आपके करते हैं रेप्लीकेशन। अब रेप्लीकेशन कैसे करते हैं, देखो ये फॉर एग्जाम्पल आपका एक होस्ट सेल है। ठीक है, आप लोग क्या हो? होस्ट सेल है, ये आपके प्रॉपर सेल है। ठीक है, तो ये वायरस क्या करेगा, वायरस आकर आपके ऊपर अटैक करेगा और आपके सेल में अपने आप को रेप्लीकेट करने लग जाएगा। समझ पा रहे हो? तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऑल वायरस आर पैरासाइट्स, अगर मैं पैरासाइट्स के बारे में बात करता हूँ, पैरासाइट्स वो होते हैं जो कि जिनको जिंदा रहने के लिए एक होस्ट की जरूरत होती है, और आपके अंदर घुस के क्या करते हैं, डिसीज कॉज करते हैं। बिल्कुल करते हैं। और अगर हम बात करते हैं आउटसाइड द होस्ट, आउटसाइड द होस्ट ये बिल्कुल एक केमिकल सब्सटेंस की तरह ही होते हैं। तो आपने देखा एनडीए 2019 में ये टोटल 10 क्वेश्चन आए थे, जैसा कि मैं हर साल बोलता हूं कि आपके जो होते हैं ना, हर साल एनडीए में 8 से 12 क्वेश्चन आते हैं, और ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं थे। तो अब हमने देख लिया है एनडीए 2020 का पेपर, एनडीए 2019 का पेपर, अब हम एनडीए 2019 का पेपर देखने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। ओके चलिए, तो अगला पेपर हम लोग देख रहे हैं एनडीए 2019 का, एक सेकेंड। यप, तो चलिए बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको हम डिस्कस कर रहे थे, गलती से यहां पे 2 लिखा गया है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, एनडीए 2019 है। तो इसमें भी आपके लगभग 10 क्वेश्चन आए थे, जल्दी बताइए। तो यहां पर हम लोग बात करते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेली डज नॉट पोजेस न्यूक्लिक एसिड, इजी क्वेश्चन है, आप सब लोग सोच के आंसर दे सकते हो, एनडीए 2019, बहुत ईजी था, अक्षयंगी जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया। बाकी लोग आंसर दीजिए, सिर्फ एक इंसान आंसर दे रहा है, बाकी लोग क्या रामायण की कथा सुनने आए हैं? बताइए, इंटरेक्ट करो यार, जितना इंटरेक्ट करोगे उतना ज्यादा आप सीखोगे। बहुत बढ़िया राज ठाकुर जी, बिल्कुल सही आपका आंसर। देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर हम न्यूक्लिक एसिड के बारे में बात करते हैं, तो न्यूक्लिक एसिड दो टाइप का होता है, एक होता है DNA और एक आपका होता है RNA। DNA हमेशा याद रखना क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है।
ठीक है। और आरएनए हमेशा किससे लिंक्ड होता है? आरएनए हमेशा आपका लिंक्ड होता है प्रोटीन के बनने से। ओके, तो अब एक चीज देखिएगा, अगर मैं बात करता हूं न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस किसमें पाया जाता है? आपका न्यूक्लियस में पाया जाता है। अब ये मैंने आपको बताया था तीन चीजें, एक मैंने बताया था क्लोरोप्लास्ट, बताया था कि नहीं, एक मैंने बताया था माइटोकॉन्ड्रिया, और एक मैंने क्या बताया था आपको, बताया था न्यूक्लियस। ये तीनों क्या थे? ये तीनों आपके सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल थे कि नहीं थे? बिल्कुल ही सही थे। तो इन तीनों के पास क्या होगा? खुद का जेनेटिक मटेरियल होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और साथ में क्या होगा? खुद का प्रोटीन होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो देखिए, न्यूक्लियोलस और क्लोरोप्लास्ट तो आपके आ गए इसमें, यानी कि इनके पास है खुद का जेनेटिक मटेरियल। खुद का जेनेटिक मटेरियल मतलब डीएनए। तो ए ऑप्शन एंड बी ऑप्शन कैन नॉट बी योर राइट आंसर। अब देखिए, अगर मैं बात करता हूं राइबोसोम, तो आप सबको पता है राइबोसोम को हम लोग किसके नाम से जानते हैं? राइबोसोम को हम लोग जानते हैं प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से, क्योंकि ये आपका क्या बनाता है? ये आपका बनाता है प्रोटीन्स। तो ये आपका किससे लिंक्ड होता है? आपका लिंक्ड होता है आरएनए से। तो ये ऑप्शन भी आपका राइट आंसर नहीं होगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपकी क्या होती है? पतली सी झिल्ली होती है जो आपके पूरे के पूरे प्रोटोप्लाज्म यानी कि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को बाउंड करके रखती है ना? तो दिस वॉज योर राइट आंसर। तो चलिए फटाफट से हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं, किसका राइट आंसर क्या होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखिए, अगला क्वेश्चन भी सेम ऊपर वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर ही टिका हुआ है कि अगर हम लोग बात करते हैं तो इनमें से वो कौन सी सेल ऑर्गेनेलीज होती है जिनके पास खुद का जेनेटिक मटेरियल इनकोडिंग प्रोटीन नहीं होता? मैं हमेशा इस क्वेश्चन को काटता हूं ताकि आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर रहे कि आपका इनमें से किसके पास खुद का जेनेटिक मटेरियल नहीं है। बहुत बढ़िया, आप सबको पता है। डू वी नीड, एक सेकेंड, डू राइबोसोम बॉडी बिल्डिंग? देखिए, बॉडी बिल्डिंग एक अलग चीज होती है और एक प्रोटीन अलग चीज होती है। राइबोसोम आपके सेल के अंदर प्रोटीन बनाता है, ठीक है? चलिए, तो आपने बिल्कुल सही कहा। अगर मैं यहां पर बात करता हूं, देखिए ऊपर लिखा हुआ है क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया न्यूक्लियस। ये तीनों आपके क्या है? सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनली है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनली के पास क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है। तो आपको पता है ये तीनों आपके राइट आंसर हो नहीं सकते। राइबोसोम के पास क्या होगा? आपका न्यूक्लिक एसिड तो होगा लेकिन आपका जेनेटिक मटेरियल नहीं होगा। ओके, समझ में आई आपको चीजें? चीजें ज्यादा मुश्किल नहीं होती है, बस आप लोग ना उसको ओवर थिंक करके ज्यादा मुश्किल बना देते हो। कॉन्सेप्ट दिमाग में क्लियर रखो, रट्टा मत मारो, सब कुछ होगा। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ कंडक्टिंग टिश्यू इन अ प्लांट? देखिए, अब ये मैंने आपको प्लांट की पीडीएफ दिखाई थी। नीतीश जी, क्या आपका बफर कर रहा है क्या? सबका बफर कर रहा है क्या? मुझे बताइए, बिकॉज मेरे सामने मेरी खुद की वीडियो चल रही है, मेरा तो बफर नहीं कर रहा। बताइए, आई थिंक आपका बफर कर रहा है। नीतीश जी एक बार रिफ्रेश कर लीजिए, बताइए। देखिए, बहुत ईजी क्वेश्चन था, आपने बिल्कुल सही कहा। इसका राइट आंसर अगर हम लोग बात करते हैं तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ कंडक्टिंग टिश्यू इन प्लांट्स? अभी मैंने आपको बताया था कि अगर हम कंडक्टिंग टिश्यू के बारे में बात करते हैं तो हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? कंडक्टिंग टिश्यू का मतलब होता है हमारे दो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। एक आपका क्या होता है? जाइलम। और एक आपका क्या होता है? फॉइलम। तो मैंने आपको बताया था जाइलम में क्या क्या पाया जाता है और फॉइलम में क्या क्या पाया जाता है। देखिए इस पीडीएफ को, जाइलम में क्या आपके ट्रैकेट्स, क्या आपके वेसल्स, क्या आपके पैरेन्काइमा और फाइबर्स नहीं पाए जाते? फॉइलम में देखिए, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फॉइलम, पैरेन्काइमा और फाइबर्स नहीं पाए जाते। तो यहां पर ऑब्जर्व कीजिए, अगर मैं बात करता हूं फाइबर्स, तो फाइबर्स आपके जाइलम और फॉइलम दोनों में पाए जाते हैं। अगर मैं बात करता हूं ट्रैकेट्स, तो ट्रैकेट्स किस में पाया जाता है? ट्रैकेट्स आपके जाइलम में पाए जाते हैं। अगर मैं बात करता हूं सीव ट्यूब्स, तो सीव ट्यूब्स किस में पाए जाते हैं? फॉइलम में पाए जाते हैं। तो राइट आंसर इज पेरिसाइकल। कितना इजी था, बहुत बढ़िया ध्रुव जी और प्रज्योत जी। अगला देखिए, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स हैज अ वेस्कुलर सिस्टम? ये प्लांट किंगडम का क्वेश्चन है, एकदम स्टैटिक क्वेश्चन है कि वेस्कुलर सिस्टम इनमें से कौन से ऑर्गेनेलीज के पास होता है। बहुत बढ़िया प्रज्योत जी, आपका आंसर बिल्कुल सही है। देखो, इस क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम वेस्ट करने का हमारा बिल्कुल मतलब नहीं है कि वो ऑर्गेनिज्म जिसके पास वेस्कुलर टिश्यू होता है वो क्या होता है? मर्सेलिया होता है, ठीक है? क्या होता है? मर्सेलिया। हाँ बिल्कुल अक्षय निकेत जी, मैं जानता हूं क्योंकि मैंने प्लांट किंगडम कराया नहीं था तो इसलिए मुझे पता है ये क्वेश्चन आपको नहीं पता होगा। लेकिन ये क्वेश्चन आपको 100% पता होगा कि अगर मैं बात करता हूं इनमें से, मुझे बताइए
कि कौन रिप्रेजेंट करता है एक प्राइमरी कंज्यूमर कैटेगरी हमारे इकोसिस्टम में, बताइए। इनमें से हमारा एक प्राइमरी कंज्यूमर कैटेगरी जो होता है इकोसिस्टम में, कौन कंडक्ट करता है, बता सकता है कोई? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट द प्राइमरी कंज्यूमर कैटेगरी इन एन इकोसिस्टम? इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में अगर मैं आपको बात करता हूं, तो क्लास के एंड में मैं आपको क्या बताता हूं ना, टॉप 10 टॉपिक्स बताता हूं जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। ए बी बी ए ए ए। देखिए, सोच के आंसर दीजिएगा इस क्वेश्चन को, कि अगर हम बात करते हैं एक पूरा का पूरा, अगर हमसे बोला जा रहा है प्राइमरी, देखो अगर मैं एक फूड चेन को कंसीडर करता हूं, तो एक फूड चेन की खास बात क्या होती है कि उसमें तीन चीजें होना जरूरी होती है। पहली चीज क्या होती है? प्रोड्यूसर। अब प्रोड्यूसर क्या होता है, सब लोग समझेगा कि आपको पता है ग्रीन प्लांट क्या करते हैं? ग्रीन प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं, हम लोग खाना पकाते हैं। सनलाइट की मदद से क्लोरोफिल की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर का यूज करके स्टार्च के फॉर्म में अपना खाना बनाते हैं। तो इसीलिए हम इन ग्रीन प्लांट्स को क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं प्रोड्यूसर्स। बोलते हैं कि नहीं बोलते? तो क्रैब एप्पल ट्री, क्रैब एप्पल ट्री क्या होगा, ये तो भाई आपका प्रोड्यूसर हो गया, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं थोड़ा सा और आगे लेके आता हूं, तो आपको पता है सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, फिर आपके क्या आते हैं, फिर आपके आते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स। अगर मैंने बोला प्राइमरी कंज्यूमर्स, तो प्राइमरी कंज्यूमर्स का मतलब क्या होता है कि जो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं प्रोड्यूसर्स पे डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। बिल्कुल लूंगा कार्तिकी जी, टेंशन क्लियर हो, कल से आपकी फ्री क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी और अनअकैडमी पे भी। तो आपको पता है कि प्राइमरी कंज्यूमर्स का मतलब क्या होता है, जो आपके क्या होते हैं, पूरे के पूरे प्रोड्यूसर्स पे डिपेंडेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने बोला एक रैबिट, जैसे कि मैंने बोला एक कैटरपिलर, क्या कैटरपिलर जाके चिकन तंदूरी खा सकता है कि भाई चलो हम चिकन खाते हैं? क्या रैबिट जाके शेर को खा सकता है? नहीं खा सकता। तो इनकी मजबूरी होती है कि ये प्रोड्यूसर्स जो होते हैं उन पे डिपेंडेंट होते हैं। तो आपको पता है प्राइमरी कंज्यूमर क्या निकल कर आएगा, कैटरपिलर। इसके बाद आपका निकल कर आता है क्या, सेकेंडरी कंज्यूमर्स। सेकेंडरी कंज्यूमर्स वो कंज्यूमर्स होते हैं जो इनके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं और कुछ इनके ऊपर भी डिपेंडेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सेकेंड पे लेकर आता हूं, तो आपको पता है क्या आएगा, कुछ लोग बोलेंगे सर हम तो यार शुद्ध शाकाहारी है, क्या हम प्राइमरी कंज्यूमर्स है? देखो, शुद्ध शाकाहारी होना यानी कि हर्बीवोरस होना, कार्निवोरस होना, ओमनीवोरस होना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। तो ये, लेकिन एक रैबिट के पास चॉइस नहीं है, इसीलिए इसका राइट आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन मुझे बताइए कि अगर मैं बात करता हूं 109th के बारे में, टूथ इनेमल इज मेड अप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? अगर हम टूथ इनेमल के बारे में बात करते हैं, तो इनमें से टूथ इनेमल किस चीज का बना होता है? स्टैटिक क्वेश्चन है, आप सबको पता है कि अगर मैं बात करता हूं मेरा दांत है ना, आप लोग मेरा दांत देख पा रहे हो, जो मेरा दांत है इसके ऊपरी हिस्से को हम लोग क्या कहते हैं, इसके ऊपरी हिस्से को हम लोग कहते हैं इनेमल। और ये हमारा किससे बना होता है, बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट से। बहुत बढ़िया, ठीक है। और आपको पता है इसी कैल्शियम फॉस्फेट को यानी कि इनेमल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमारी जो टूथपेस्ट होती है इसमें क्या पाया जाता है, हमारे टूथपेस्ट में क्या पाया जाता है, क्या कोई बता सकता है, बताइए? नहीं, नहीं, ए नहीं होगा, इसका आंसर डी होगा। तो आपको पता है आपके टूथपेस्ट में पाया जाता है फ्लोरीन, और लेकिन अगर आप फ्लोरीन का इंटेक ज्यादा ले लेते हो तो आपको क्या होता है, तो भी आप लोगों को पूरा पूरा सेकेंड कंज्यूमर कौन है, आपके दोनों ही सेकेंडरी कंज्यूमर है, ठीक है। तो आपको पता है क्या हो जाता है, आपको एक बीमारी होती है जिसका नाम होता है फ्लोरोसिस, और फ्लोरोसिस का मतलब क्या होता है, फ्लोरोसिस का मतलब होता है आपके इनेमल का सड़ना। कार्तिके जी नमक, क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। एज पर द कोड ऑफ द नॉमेनक्लेचर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग अ बायोलॉजिकल नेम? एक बायोलॉजिकल नेम को लिखने का क्या करेक्ट मेथड होता है, क्या कोई मुझे बता सकता है इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? एक बायोलॉजिकल नेम को हम लोग लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे, तो आप लोग बता सकते हो क्या होगा आपका साइंटिफिक नेम को लिखने का करेक्ट मेथड? बी। बहुत बढ़िया ध्रुव जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया पूरब जी, बहुत बढ़िया, बहुत गलत प्रज्योत जी। देखिए, हमेशा याद रखना कि कभी भी हम लोग एक नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं या फिर एक बायोलॉजिकल नेम की बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है, इसमें आपकी दो चीजें इंक्लूड होती है। पहली चीज आपकी इंक्लूड होती है जीनस, और सेकेंड चीज क्या इंक्लूड होती है, आपकी इंक्लूड होती है स्पीशीज। अब देखिएगा, हमेशा जैसे अगर मैं बात करता हूं, आपने देखा होगा
कि मैं अपने बारे में बात कर रहा हूं, मैं क्या हूं, मैं एक इंसान हूं कि नहीं? इंसान को हम लोग क्या कहते हैं? इंसान को हम लोग जानते हैं होमो सेपियंस के नाम से। वैसे आपको पता है ये अमेबा प्रोटस क्या है? इसमें जो जीनस होता है हमारा पहला वर्ड होता है, स्पीशीज हमारा दूसरा वर्ड होता है। जीनस में क्या लिखना होता है? जीनस हमेशा लिखा जाता है कैपिटल लेटर में। अब अगर कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा तो सी ऑप्शन आपको ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? इटैलिक वाला कॉन्सेप्ट भी आपने बिल्कुल सही बताया, लेकिन मेन कॉन्सेप्ट आपका ये होता है कि आपका जीनस कैपिटल से लिखा होता है, और स्पीशीज के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो ये लिखा होता है हमेशा एक स्मॉल लेटर से। तो ये कैपिटल, ये कैपिटल, बी ऑप्शन इज योर राइट आंसर। इटैलिक हम तब करते हैं जब हम टाइप कर रहे होते हैं, लेकिन राइटिंग में आपका ये कैपिटल और स्मॉल आता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग लेकर आते हैं। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इलेक्ट्रोकार्डियो डायग्राम इज करेक्ट? देखिए ये क्वेश्चन वो बच्चे इजिली कर लेंगे जिनको बस थोड़ी सी दिमाग लगाने की जरूरत होगी। बहुत बढ़िया अभिषेक प्रजापति जी, बहुत बढ़िया, आपका आंसर बिल्कुल सही है कि इसका आंसर डी होगा। कैसे डी होगा? देखो मैंने आपको जब पढ़ा रहा था बच्चों को अपने, तो मैंने उन्हें बताया था कि कुछ चीजें याद रखना। दीपक कुमार जी बहुत बढ़िया, कि कुछ चीजों का ना बायोलॉजिकल नेम बहुत ईजी होता है। जैसे मैं हमेशा आपको बोलता हूँ हड्डी यानी कि बोन, तो बोन देखती है आपको क्या समझ में आएगा? ऑस्टियो। तो ऑस्टियोपोरोसिस देखती है आपको समझ में आएगा, अच्छा हड्डी से रिलेटेड है। अगर मैं बोलता हूँ कार्टिलेज, तो कार्टिलेज आपको पता है क्या होता है? कार्टिलेज आपका होता है कॉन्ड्रो, होता है कि नहीं? अगर मैं आपको बोलता हूँ कुल मिला के, यहाँ पर थोड़ा सा और आगे, ठीक है, तो यहाँ पर मैं लेके आता हूँ पल्मोनरी, तो पल्मोनरी देखते ही आपको क्या समझ में आएगा? पल्मोनरी देखते ही आपको समझ में आएगा कि मैं बात कर रहा हूँ रिलेटेड टू लंग्स। वैसी एक टर्म आता है जिसे हम लोग बोलते हैं कार्डियो। कार्डियो देखते ही आपके दिमाग में क्या आएगा? कार्डियो का मतलब होता है आपका दिल। तो आपको पता है यहाँ पे क्या आ रहा है? इलेक्ट्रो कार्डियो डायग्राम। तो अगर मैंने यहाँ पे कार्डियो बोला तो आपको पता है क्या आएगा? मेरा दिल आएगा। तो कॉर्निया तो आंख होती है, किडनी तो आपके पेट में होती है, ब्रेन तो आपका न्यूरो होता है। तो राइट आंसर विल बी इलेक्ट्रोकार्डियो डायग्राम इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। तो आपको पता है आपने कई बार मूवीज में देखा होगा कि आपका ऐसे 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 एक मशीन पे इलेक्ट्रिकल रिप्रेजेंट दिखता है, दिखता है कि नहीं? इसी का जो आपको फिर क्या मिलता है, एक पेपर नहीं मिलता है, एक ग्राफ मिलता है। तो वो जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है आपका इस इलेक्ट्रोकार्डियो, आपकी हार्ट बीट का, उसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियो डायग्राम बोलते हैं, ठीक है। और जब ये ऐसे फ्लैट हो जाती है मतलब इंसान मर गया। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये सिर्फ एक फैक्ट है जो कि 11 12 की बुक में हमें देखने को मिलता है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पेनिसिलिन इज करेक्ट? बताइए, अगर हम बात करते हैं पेनिसिलिन के बारे में, तो इनमें से आपका पेनिसिलिन के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है? सी, देखिए इसके बारे में आपको एक सिंपल चीज बताता हूं कि पेनिसिलिन क्या था। पेनिसिलिन आप लोगों की सबसे पहली एंटीबायोटिक थी, जो किसके द्वारा बनाई गई थी? बिल्कुल, जो किसके द्वारा बनाई गई थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जी के द्वारा बनाई गई थी। और इसका राइट आपका आंसर क्या है? ये एक स्टैटिक फैक्ट है कि जो पेनिसिलिन का रेजिस्टेंट बैक्टीरिया होता है वो इस एंटीबायोटिक को डिग्रेड कर सकता है बीटा लैक्टमेज एंजाइम से। ओके, चलिए मुझे इसके बारे में बताइए। 149th क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स ऑफ मेमेलियन सेल इज रिच इन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स? बताइए, बिल्कुल वो आपकी एंटीबायोटिक थी ध्रुव जी, बताइए इनमें से वो कौन सी मेमेलियन ऑर्गेनली होती है जो एक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम में रिच होती है? फिर इस क्वेश्चन को हमें डिस्कस करना है पूरा का पूरा। सी, दीपक जी बहुत बढ़िया, ठीक है। देखिए अगर मैं आपको बात करता हूं, पूरे के पूरे क्वेश्चन को हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैंने बोला माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। बोला जाता है कि नहीं बोला जाता? क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये आपके सेल के रेस्पिरेशन में काम आता है। आता है कि नहीं? बिल्कुल आता है। और सेल के रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है कि आप लोगों का ऑक्सीजन जुड़ता है खाने के साथ, और जब ऑक्सीजन जुड़ता है खाने के साथ तो आपको क्या प्रोवाइड करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है। और ये जो एनर्जी प्रोवाइड करता है किस रूप में करता है? एटीपी के रूप में। ओके,
अब देखिए सेकंड चीज, अगर मैं राइबोसोम्स के बारे में बात करता हूं तो राइबोसोम्स को हम लोग क्या बोलते हैं? राइबोसोम्स को हम लोग बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। बोलते हैं कि नहीं बोलते? बिल्कुल बोलते हैं, क्योंकि ये आप लोगों का क्या करता है, पूरा का पूरा प्रोटीन सिंथेसिस में काम करता है, ठीक है। अब तीसरा देखिए, तीसरा आपका क्या होता है, लाइजोसोम्स। लाइजोसोम्स को हम लोग तीन नाम से जानते हैं। पहला आपका क्या होता है, डाइजेस्टिव सैक। अगर मैंने बोला डाइजेस्टिव सैक तो आपको पता है जितने भी फॉरेन मटेरियल सेल के अंदर आते हैं वो क्या करते हैं, वो आपका लाइजोसोम डाइजेस्ट कर लेता है। सेकेंड नाम इसको हम लोग बोलते हैं एटम बॉम्ब, ठीक है, एटम बॉम्ब क्यों बोलते हैं समझिएगा। और तीसरी चीज हम लोग जानते हैं इसको सुसाइडल बैग के नाम से। तो ऐसा क्यों होता है कि जब भी आपका एक सेल जो होता है वो क्या होता है, थोड़ा बहुत डैमेज हो जाता है, तो ये क्या करता है, अपने आप को करता है ब्रस्ट। तो जब ये अपने आप को ब्रस्ट करता है तो इसके अंदर से क्या निकलता है, इसके अंदर से निकलता है आपके हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। और ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स क्या करते हैं, आपके पूरे के पूरे सेल को हील करने में हेल्प करते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम किसमें पाया जाएगा, लाइजोसोम में पाया जाएगा। तो क्योंकि अपने आप को ब्रस्ट करता है इसीलिए एटम बॉम्ब, और क्योंकि खुद को फोड़ लेता है सेल के लिए इसलिए सुसाइडल बैग। चौथा देखिए, अगर मैं बात करता हूं न्यूक्लियस के बारे में, तो न्यूक्लियस के बारे में क्या इंपॉर्टेंट चीज है, इस बात को याद रखना कि ये आपका क्या होता है, आपका कंट्रोलर होता है, ठीक है, यानी कि पूरे के पूरे सेल को कंट्रोल करता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, सीपीयू ऑफ द सेल भी कहते हैं। अब सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज अगर हम लोग बात करते हैं तो आपका क्या होता है, सीपीयू ऑफ द सेल तो कहते हैं, लेकिन साथ में एक और इंपॉर्टेंट चीज इसकी खास बात होती है कि इसके अंदर क्या पाया जाता है, आपका डीएनए पाया जाता है। और डीएनए का मतलब क्या होता है, डीएनए का मतलब होता है कि ये पूरा का पूरा जीन्स कैरी करता है, यानी कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करता है। तो आपको पता है इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, व्हीकल ऑफ हेरिडिटी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। व्हीकल ऑफ हेरिडिटी का मतलब क्या होता है कि आपका पूरा का पूरा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करना। तो पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आया, राइट आंसर क्या होगा, लाइजोसोम्स। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कॉलरा इज करेक्ट, बताइए। अगर हम लोग बात करते हैं कॉलरा के बारे में, तो कॉलरा के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, बताइए बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कॉलरा इज करेक्ट, देखिए कितना इजी क्वेश्चन है यार आपका, कार ड्राइवर्स। बहुत बढ़िया प्रज्योत जी, बहुत बढ़िया दीपक साहू जी, आपका आंसर कितना सही है। कॉलरा इज अ डिसीज दैट कॉज लॉस ऑफ मेमोरी। क्या आप लोग मेमोरी लॉस कर देते हो, यहाँ पे गजनी मूवी चल रही है। अगर हम लोग बात करते हैं कॉलरा इज अ डिसीज ऑफ मसल ड्यू टू कंजप्शन ऑफ एल्कोहल, दारू पीने से कॉलरा होता है। कॉलरा एक जेनेटिक डिसीज है, बिल्कुल नहीं। आपको पता है योर राइट आंसर इज कि कॉलरा जो होती है वो गंदा खाना और गंदा पानी पीने से होती है, ठीक है, सबको क्लियर हुआ। तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या किया है, एनडीए 2 2019 है ना, और एनडीए 1 2019 के पेपर देखे हैं। कल की क्लास में हम 2018 2017 यानी कि कल हम लोग चार पेपर देखेंगे, तो तैयार होके आइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, कल हम लोग चार पेपर देखेंगे, थोड़ा सा पढ़ के आइएगा। तो आशा करता हूँ आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर अनअकैडमी प्लस का अभी तक पार्ट नहीं है तो आप अनअकैडमी प्लस का पार्ट बन सकते हो, जिसमें अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज करते हो पुरलव लाइफ तो आपको अपने कोर्सेज पे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए, आप लोगों को पता है कि एनडीए का एग्जाम बहुत पास आ रहा है, तो एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर फोकस कीजिएगा कि आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस किससे आते हैं, ठीक है, थीके? एक बार समझ लीजिएगा कि अगर मैं बात करता हूँ 5 से 6 टॉपिक बता रहा हूँ जिससे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बनते हैं। पहला टॉपिक क्या होता है आप सबको पता है, सेल, ठीक है। पूरा का पूरा जो सेल टॉपिक है, हर साल कम से कम उससे 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं 2014 से लेके लगभग 2020 तक, ठीक है, कम से कम दो। अगर मैं इसके अलावा बात करता हूं तो आपका आता है पूरा का पूरा ह्यूमन न्यूट्रिशन। अगर मैं ह्यूमन न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कस करता हूं तो ह्यूमन न्यूट्रिशन कैसे होते हैं, ठीक है, बहुत है यार, बहुत अरुण जी, मेरे खुद के एस्पिरेंट्स इतने सारे जिन्होंने निकाला है। न्यूट्रिएंट्स में खासकर सेल में समझ लीजिए आपको क्या पढ़ना है, सेल में आपको पढ़ना है वायरस के बारे में, प्रोकैरियोटिक से बारे में, यूकैरियोटिक से बारे में, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच का डिफरेंस, आपका एनिमल सेल और प्लांट सेल के बीच का डिफरेंस। अब देखिए, अगर मैं न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात करता हूं तो आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और आपकी डेफिशिएंसी डिसीजेस, ठीक है, जैसे कौन से विटामिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, कौन से मिनरल की कमी से कौन सी बीमारी होती है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो आपको पता है आपका आता है इंडोक्राइन सिस्टम। ह्यूमन इंडोक्राइन सिस्टम में क्या आता है, ह्यूमन इंडोक्राइन नहीं बल्कि मैं आपको बोलूंगा
न्यूरो इंडोक्राइन। अब न्यूरो इंडोक्राइन में आपका क्या आता है, सबसे पहले पूरा का पूरा आप लोगों का न्यूरोलॉजी आती है, यानी कि आपका ह्यूमन ब्रेन हो गया और आपका नर्वस सिस्टम हो गया, और साथ में क्या आता है, साथ में पूरा का पूरा आप लोगों का आता है हॉर्मोन्स वाला चैप्टर, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं यहां पर बात करूं, सर मेरा एनडीए और एयरफोर्स की एग्जाम एक ही देना है, कौन सी प्रेफर करूं, मनीषी ये तो आपको डिपेंड करना है ना कि आपको ऑफिसर बनना है कि आपको रैंक अंडर ऑफिसर में जाना है। अगर मेरे सामने दो चीजें लिखी होगी, मैं अपने दोस्त से पूछ के थोड़ी खाऊंगा, ठीक है। तो आपको पता है न्यूरो और इंडोक्राइन, और चौथा जो आपका टॉपिक आता है वो कौन सा आता है, वो आपका आता है प्लांट टिश्यू वाला, जो कि मैंने अभी आपको बताया नहीं था, ये वाली पीडीएफ मैंने आपके सामने खोली थी, आप लोगों को याद होगा, जिसमें पूरा का पूरा मैं प्लांट्स टिश्यू बता रहा था। इसी एक पन्ने से आपके 3 साल तक क्वेश्चन पूछे गए, समझ रहे हो, सिर्फ इस एक पन्ने से। तो आपको पता है ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिफ्थ टॉपिक अगर मैं आपको बोलता हूं, तो आपको पता है क्या आता है, डिसीजेस आता है। और सिक्स टॉपिक अगर मैं आपको बोलता हूं, तो आपका आता है पूरा का पूरा ह्यूमन सिस्टम। इन 6 टॉपिक को तो आप लोगों को बिल्कुल छोड़ना ही नहीं है, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो पसंद आए तो यार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि मेरे जैसे बहुत सारे एजुकेटर्स आपको फ्री में बहुत कुछ पढ़ाए। ओके, चलिए।